हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये व्लॉग मैं काफ़ी देर के बाद शूट कर रहा हूँ और अब मैं इंडिया में नहीं हूँ, अब मैं कनाडा पहुँच गया हूँ धक्के खाने। और मैं वैसे तो अपने दोस्त के पास स्टे कर रहा हूँ। एक चीज़ दिखाता हूँ आपको पहले कि स्कूल कुछ ऐसे होते हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अपने इंडिया में तो सबको पता ही है कैसा हाल है। अभी हम स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हैं, जा रहे हैं बस लेने। तैयारी है हमारी, प्लान बना था जाने का टोरंटो आइलैंड और वहीं जा रहे हैं। ये मेरा दोस्त सक्षम जो कि कल पहुंचा है और मैं तो पूरा दिन सोया रहा, आकर थक गया था। फ्लाइट बड़ी लंबी थी, 31 घंटे की, और उसमें दो स्टे भी थे। एक तो 11 घंटे का था जर्मनी में, उधर मेरी बस हो गई थी, मैं पूरा दिन उधर वेट किया था। मैं पहुंचा था वहाँ 7 बजे और 4:30 बजे मेरी फ़्लाइट थी फिर से वहाँ से मॉन्ट्रियल की। बट मेरे को इमिग्रेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो मैं अलग वीडियो में बताऊँगा आपको कि इमिग्रेशन में क्या क्या पूछा क्या नहीं। और जा रहा है आगे आदित्य। आदित्य हाय। ये पहले से पिछले इनटेक से यहाँ और इसके पास हम रुके हुए हैं, बेचारा हमें बड़ी मुश्किल से रुका रहा है। और नर्स से बात तो की नहीं थी रुकने उकने की, ऐसे ही रुक रहे हैं अभी तो फिलहाल, जब तक रूम नहीं मिलता यार। और मेरा कॉलेज है कॉनस्टोगा और ये है सेंटेनियल में, तो इधर से दूर है वो, तो हमें मूव करना है लेकिन कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा, मिल नहीं रहे। और वो है अभी दूर है कि हम वहाँ पर पहुँच भी नहीं सकते इतनी जल्दी। यहाँ पे वैसे देखोगे मेरी ग्रीनरी और ये राइट में मेरे घर हैं, ये फुटपाथ है अच्छा सा, गाड़ियाँ वाड़ियाँ बढ़िया लगी हैं यार, टेस्ला वेस्ला भी बड़ी सारी घूमती है यहाँ। और यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा है यार, एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे वो कंडक्टर नहीं होते, खुद ही स्टॉप का बटन दबाना होता है, मैं बताऊँगा अभी कैसे। कोई कंडक्टर तो नहीं होता, ये प्रेस्टो, और मेरे पास प्रेस्टो कार्ड भी है, वो भी दिखाता हूँ आपके पास में डाला हुआ मैंने। और बसें कुछ ऐसी हैं बैठने के लायक, अच्छा सिस्टम है। और ये कार्ड होता है और आपको ऐसे टैप करना होता है, मैं अभी नहीं टैप करूँगा क्योंकि मेरा $3 उठ जाएगा अगर मैंने टैप कर दिया। बस ये सिस्टम है, आराम से बैठो। और इसमें ये कुछ बसों में कुछ क्या हर एक बस में ये होता है स्टॉप बटन, और ये येलो कहाँ गई, येलो लाइन वो नहीं दबाना अभी। हाँ, ये भी स्टॉप के लिए होती है कि स्टॉप पे आते उतरना तो खींच दो पहले। बस ये होता है सिस्टम। और बसें तो सफाई सफाई तो बहुत अच्छी है यार, यहाँ पे कितनी अच्छी सफाई है। अब हम पहुँच गए हैं इधर अपने डाउनटाउन, अपने डाउनटाउन ही हाँ टोरंटो का डाउनटाउन सबवे में था, तो वहाँ टॉवर टूवर नहीं आ रहे थे। और ये अपना CN, ओ सॉरी अपना क्यों है, मेरा नहीं है भाई, CN टावर है ये। एंड दीज आर द बिल्डिंग्स, बड़ी ऊँची ऊँची हैं भरावा। अब हमारा गाइड हमें बता रहा है कहाँ जाना है, बता भाई कहाँ जाना है। अभी रास्ता देख रहे हैं, जेट आ रहा है कहीं से, आवाज़ ही आ रही है सर, आवाज़ ही आ रही है सर। अभी हम टोरंटो आइलैंड की ओर आ गए थे, यहाँ से आगे बैठ जाएंगे, देखते हैं पीछे वाली साइड देखेंगे, इधर का व्यू अच्छा आएगा, इधर का। हाँ हाँ, दोनों ऐसे ही कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पहुँच गए थे, हमने टिकट ले ली है, $2 की टिकट है पर पर्सन, और फिलहाल तो 40 मिनट लगेंगे उसके बाद चलेगा। एंड मैं आपको वो बता देता हूँ कब कब चलते हैं, ये इनका स्केड्यूल है। 3 आइलैंड है, हम सेंटर वाले पे जा रहे हैं क्योंकि सेंटर वाले पे ही सब जाते हैं, देखते हैं कैसे। वैसे जनता तो बढ़िया ही है यहाँ पे। अब हम जा रहे हैं फेरी में, रश बड़ा हो गया,
खप बड़ी डाली है इधर लोगों ने, पीछे वाली साइड बैठेंगे इधर से, क्योंकि सिटी का व्यू आ रहा है, फिर आते हुए दूसरी तरफ बैठ जाएंगे। वी आर गोइंग अपस्टेयर्स, अब हम ऊपर बैठेंगे, ऊपर से नज़ारा लेंगे, फिर आते हुए भी ऊपर ही बैठेंगे। अच्छा है भाई, सब कुछ ऑक्यूपाई होगी स्पेस तो, हम लेट हो गए थोड़ा भाई, ऑक्यूपाई हो गया सब। ये हमारा गाइड हमारे साथ, ऐसे हो गया भाई, वेंट बड़ी चल रही है, मेरे बॉल देख ही रहे मस्त लाइफ जैकेट वगैरह ऊपर है। अब हम आ गए हैं कुछ ना कुछ करके आ गए, क्या बात है, चलो भाई पहुंच गए हैं, निकलते हैं नीचे, ठंड लगी लेकिन बड़ी हवा जा रही है। चलो अब ये किधर चक्कर बड़ा है पानी का, ये मार भाई, पी ले भाई, मुंह नहीं लगाना भाई, पानी पूरा मुंह लगा दे, पानी का बड़ा चक्कर है यहाँ पे, कहीं कहीं होता है, और बड़ी प्यास लगी थी अभी। $9 खर्चे तो हैं लेकिन पता नहीं लग रहा, देखना क्या है इधर, करने क्या आए हैं हम, पार्क जैसा ही है भाई, बंदे इधर ज़्यादा, जनता ज़्यादा है, बाकी और कुछ भाई हमारे लायक क्या है, हम इधर वॉक करने आए हैं $9 खर्च के, बस यही है। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास गाड़ी हो तो हम काफ़ी इजीली कॉलेज जाके पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसे भी तो जाना ही है हाँ, बट थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाएगा, पार्टनर मिल सकते हैं, पार्टनर मिल सकते हैं, जिम पार्टनर मिल सकते हैं, तुम उसको मतलब शेयर कर सकते हो, राइट, शेयर आप लिफ्ट दे सकते हो किसी को, लिफ्ट दे सकते हो अपने साथ, ठीक है दे सकते हैं, वैसे समाज सेवा भी कर सकते हैं, समाज सेवा, ये सेवक भी है हमारे साथ, हम सेवक हैं अपने इंडिया से यार, फवारा चल रहा है, अच्छा भाई फोटो खींच लो यहाँ से, एक चीज़ मिली अच्छी सी, अभी देखते हैं यहाँ जाके, दिख नहीं रही कैमरे पे, मिस देखते हैं, छुपन छुपाई खेलेंगे, ठीक है पकड़ पटाई खेलते हैं यहाँ पे एक दूसरे, बीच में से निकल जाओ, ये एंट्री, यू गो दिस वे, आई विल गो दिस वे, मैं क्या सीधा निकल जाऊं, तू सीधे निकल जा, नहीं एक ही भाई इधर ही चल, घूमोगे मैं कहां ढूंढता रहूंगा तुम्हें, राइट राइट चल दे, साथ साथ निकल जा, हां चलती गाड़ी यहां से मैं जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा, निकल जा, निकल देखो बंदा वो चलो मिल गया, आप तो अगे बाबा शुक्र है बाहर निकल गए, थोड़ा दिख रहा यहाँ पे थोड़ा सा है, अरे ये क्या है, साइकिलिंग के लिए स्केटबोर्ड, अपने को वो स्केटबोर्ड ही ले लेते हैं सक्षम, एक वही लेके कॉलेज गए, और क्या, और ये तो इन्होंने नहाने के लिए बनाया हुआ है मेरे जैसे बंदों के लिए, फुहारा लगाया मतलब शावर भाई, ठंडा ठंडा पानी है, मजा आ रहा है, ऊपर प्लेन चल रहे हैं, लोग मजे ले रहे हैं, सक्षम भी वैसे देख देख के ले ही रहे आते भी बर्ड भी मजे ले रहे हैं यार, बर्ड पानी भी पी रहे हैं, देखना वो देख कैसे पानी पी रहे हैं बर्ड,
भाई कहाँ मच्छी, पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं मेरे भाई, नमक वाला पानी। एक चीज है यहाँ पे देखने के लिए, फॉर डिस्टेंट व्यूइंग $1 ओनली। क्या $1 ओनली, इंसर्ट $1 $1 से तो भाई हम एक लीटर कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे तीनों। तेरे को दिख रहा है कुछ, यहाँ मुफ्त में तो कुछ नहीं मिल रहा, मच्छी भी नहीं दिख रही कोई पकड़ ही सकूं। यहाँ भी इंडिया वाले काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होते। आई लव पता नहीं क्या लिखा आगे, पढ़ा नहीं जा रहा। टिफ टिफ है, हाँ टिफ ही है, गलत नहीं बोला। अगर पूरा बोर्ड वगैरह सब यहाँ पे ट्रेलिंग, अभी यहाँ से पार्क से पूरा सिटी का, टोरंटो सिटी का व्यू दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया यार। अच्छा ये दिखाता हूँ, कर लिया हमने एंजॉय, और हम चले वापस, चल पड़िए, चलनी पड़ी अभी तो फुल ही हो रही है। वापस आ चुके हैं सेंट्रल आइलैंड से, और वापस आए थे अभी मतलब टोरंटो सिटी में ही हैं। तो भाई एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की, यहाँ पे धूल बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन तो है नहीं इधर इतना, लेकिन धूल बिल्कुल नहीं है। मैं अभी अपना फेस साफ कर रहा था, मैंने देखा यार अभी मेरे हैंकी पे कुछ मतलब पहले होता था कि धूल वूल लगती थी, गंदा हो जाता था हैंकी, बट ऐसा कुछ नहीं है यार, सही है। ये तो मैं जहाँ जाना था, हमारे गाइड ने हमें गलत गाइड कर दिया, गलत शब्द में बैठा दिया, अब हम दूसरे सब ट्रेन पकड़ेंगे फिर पहुँचेंगे अपने स्टेशन पे। अभी बाइक के घर में ना अंडे ख़त्म हो गए थे, अंडे लेने। कितने अंडे होते हैं आदि इसमें, 12 $5 के 12 अंडे। ये भी ट्रे है वैसे, $9 की पड़ जाती है, बट इसको रखने की जगह नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा है। ओए तूने क्या उठा लिया बीफ, तभी तो कह रहा हूँ। अभी 9 बजे और हम मॉल में आए थे, मतलब पहले आए थे खाया वाया, और अब मॉल ना पूरा बंद हो चुका, मतलब इतनी जल्दी चीज़ें बंद हो जाती हैं यहाँ पे, आई शॉप वॉप बंद हो गई है। अरे हमें जाना डंडस, ऊपर वाले का जो हमारे साथ है।